शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन चलो तो मैं ये। हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ मधु। आज का टॉपिक है हम लोग हमेशा अपनी हाई फ्रीक्वेंसी में कैसे रहें ताकि हम यूनिवर्स से अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएँ। हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड की अपनी फ्रीक्वेंसी है वो मैच होनी चाहिए यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से, बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तब जाके हमें हमारी मनचाही चीज़ मिल सकती है। अगर आपको घर चाहिए तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी यहाँ भी हाई रखनी है। अगर आपको पैसे चाहिए तो फ्रीक्वेंसी हाई रखनी, यानी कि ज़िंदगी में जो भी अच्छी चीज़ें चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती है, उन सब चीज़ों के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स में उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। जैसे अगर हमें रेडियो मिर्ची सुनना है रेडियो में, एफएम रेडियो में, तो हमें रेडियो मिर्ची ही लगाना पड़ेगा, 93.5 एफएम ही लगाना पड़ेगा। विविध भारती वगैरह लगाकर हम लोग रेडियो मिर्ची नहीं सुन पाएंगे, 93.5 एफएम नहीं सुन पाएंगे। उसी तरीके से हमें हमारी एनर्जी को, हमारी वाइब्रेशन को उस पॉइंट पर ट्यून इन करना होगा ताकि वो यूनिवर्स से मैच कर सके और हमें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट करने में आसानी आ सके। प्रैक्टिकल तरीका है खुश रहना, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना। जब आप उदास होते हैं, गुस्से में होते हैं, शिकायत वाले मोड पे होते हैं, तो हम लोग उस टाइम नेगेटिव एटीट्यूड में होते हैं। इवन हम लोग जब सिंपैथी गेन करने में भी रहते हैं, लाइक हमें कोई परेशानी है एंड वी आर लाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोगों से कि वो आपसे बातें करें, आपको सिंपैथी दे, तो जब आपकी ये थॉट इस लेवल पे आ जाती है तब अगेन आप खुद की फ्रीक्वेंसी को डाउन कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब आप सिंपैथी चाह रहे हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस के अलावा दे आर सिचुएशंस जब आप उसमें अच्छा खोज पाते हैं। एक्सट्रीम सिचुएशन में आई कैन अंडरस्टैंड कि उसमें अच्छा खोजना मे बी इज़ नॉट पॉसिबल, सो मैं उनकी बात कर, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड देर आर मेनी थिंग्स विच इज़ बियॉन्ड आर कंट्रोल। तो जहाँ पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हमारे झगड़ा हो गया है एंड यू नो कुछ लॉस हो रहा है हर चीज़ में, यू नो हम लोग तुरंत डिप्रेशन में आ जाते हैं, तुरंत बहुत टेंशन में आ जाते हैं एंड ये चीज़ हमारी फ्रीक्वेंसी को लो कर देती है। एंड इससे होता क्या है कि आप जिस लो फ्रीक्वेंसी में आ गए हैं, लाइक अगर आप लॉस में जा रहे हैं अपने काम में, आपको पैसों का घाटा हुआ है एंड यू नो उसके कारण आप उदास है, आप लिटरली उसके बारे में ही सोच रहे हैं, देन आप यूनिवर्स उस सिचुएशन को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जिस सोच में जी रहे हैं आप फिर उसी चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहीं पर अगर आप अपनी सिचुएशन में पॉजिटिव निकालना स्टार्ट कर दें, ठीक है इतना हो गया, कम ऑन मैं और बेटर कर सकता हूँ, एक बार हो गया, मुझे मेरा लेसन मिल गया, सबसे बड़ी बात है ना, कोई भी बुरी सिचुएशन से, कोई भी बुरे रिलेशनशिप से आप कुछ लेसन आपको मिल सकता है वो समझने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि हमारी लाइफ में बुरे सिचुएशंस आते ही इसीलिए हैं ताकि आपको हमारी सोल को एक्चुअली एक लेसन बताया जा सके। अगर आप लेसन नहीं सीखते हैं तो वो आपकी लाइफ में रिपीट हो सकता है। तो हर बुरी सिचुएशन में आपको सबसे पहले ये समझना है कि यहाँ पर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, इससे क्या मुझे सीख मिल सकती है, आपको सीख को निकालना है। एक बार आप उसको समझ जाएंगे आप खुद ब खुद उस चीज़ से डिटैच होने लगेंगे, उस बुरी फ्रीक्वेंसी से, लो फ्रीक्वेंसी से आप डिटैच होना स्टार्ट कर लेंगे। ये एक सोल जर्नी की बात है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता रही हूँ ताकि आपको अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि ये बुरी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती ही क्यों है। एंड देन पॉजिटिव आपको चीज़ें निकालनी हर सिचुएशन में, एंड देन नेगेटिव लोगों में भी, देखिए लोग तो नेगेटिव बहुत कम ही होते हैं, हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, हम लोग उसके बारे में नेगेटिव बोल बोल के उस इंसान को और नेगेटिव करते जाते हैं। एक इंसान की लाइफ सिर्फ उसके अपने सबकॉन्शियस माइंड से नहीं चलती है, जितने भी आपके आसपास के लोग आपके लिए सोच रहे हैं, हमेशा आपके लिए थॉट बना रहे हैं, इवन उनकी सोच भी आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि जो इमेजिनेशन हर इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड में कंटिन्यूसली दे रहा है, हम जो वर्ड्स दे रहा है वो सच होती है, वो चाहे खुद से रिलेटेड हो चाहे वो दूसरों से रिलेटेड हो। इसीलिए आपको जो वाइब्रेशन अपनी लाइफ में चाहिए वही बातें बोले, वही बातें बाहर बोले। आपको अगर आपको पैसे चाहिए तो सिर्फ खुद से तो बोले कि मेरे पास पैसे हैं, मैं संपूर्ण हूँ, संपन्न हूँ, बाहर भी आपको या तो ये बोलना, अगर आपकी सिचुएशन है कि आप नहीं बोल सकते हैं तो ठीक है, तो पैसों का रोना भी नहीं रोना है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि ये अगर आप दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड में बैठा रहे हैं तो आप तो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे और पैसे मिल रहे हैं, मैं पैसों की मैग्नेट हूँ, बट कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की फ्रीक्वेंसी आपकी उस फ्रीक्वेंसी को डाउन कर रही है। तो हमेशा इस मार्क को ध्यान रखें कि आप बोल क्या रहे हैं, आप जो दूसरों से कह रहे हैं क्या वो चीज़ है जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में, इस बात का ध्यान रखें। एंड हमेशा सिचुएशंस में भी अच्छा खोजें, लोगों में भी अच्छा खोजने की कोशिश करें। लाइक हम लोग जब जॉब में रहते हैं ज़्यादातर लोग प्राइवेट जॉब में शिकायत ही करते हैं, फिर वो आपकी बॉस का हो सकता है, वो आपके सीनियर का हो सकता है। अगर उस शिकायत मोड को छोड़ के आप उस इंसान की पॉजिटिव चीज़ों को लेकर उसको प्रेस करना स्टार्ट कर देंगे, आई रियली मीन इट कि आप उस इंसान को उसके नेगेटिव एस्पेक्ट से भी चेंज करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज अब आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड में उस इंसान की पॉजिटिविटी को प्रोग्राम कर रहे हैं।
नेगेटिव की बात करना ही अगर आप छोड़ दें तो यकीन मानिए वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं धुंधली हो जाएगी, बिकॉज दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इसीलिए अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखना इज अल्टीमेट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसका कोई बड़ा सा फंडा नहीं, सिंपल सा फंडा है खुश रहना, पॉजिटिव रहना। अगर कभी आप उदास है, खुश रहना तो चाह रहे हो नहीं पा रहे, एक मेरे टिप मानना, डांस कर। नहीं भी आती हो डांस करने कोई बात नहीं, किसको दिखाना है, रूम बंद करो, सॉन्ग बजाओ या खुद से गुनगुना के डांस करो। डांस करने से इतनी आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है ना कि मैं क्या आपको बताऊँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी अच्छी हो जाती है, इसलिए कभी भी मूड अगर ख़राब है बट आप कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरी फ्रीक्वेंसी लो हो रही है, मुझे इसे ठीक करना है, बट यू आर नॉट अनेबल टू, यू आर अनेबल टू गेट इन टू दैट, बस एक बात मानना, डांस करना स्टार्ट कर देना। और उस टाइम मुझे याद करोगे जब आपकी वाइब्रेशन उस टाइम हाई हो जाएगी, आपको अंदर से खुशी आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपके लिए वीडियो नॉलेजेबल जरूर रहा होगा, अगर रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपनों के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर इंसान को अपनी लाइफ में अच्छा अट्रैक्ट करने का पूरा हक है, तो उनके साथ भी डेफिनेटली शेयर करिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर स्पिरिचुअल बातें करती रहती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड बातें करती हूँ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, दिस इज मधु साइनिंग ऑफ।